सो गाइज, अगर आप टिकटॉक यूज करते हो या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हो तो 6 फरवरी 2020 से एक तरह का वीडियो को वायरल होता हुआ जरूर देखा होगा। वीडियो कुछ इस तरह से है जिसमें आप देखते होंगे कि रोड के दोनों साइड में बहुत सारे लोग खड़े हैं, साथ ही साथ जितने भी गाड़ियाँ चल रही है सभी रुका हुआ है और बीच में रास्ता क्लियर है और उस रास्ते से कुछ एम्बुलेंस काफ़ी तेजी से गुजरता है। तो आखिर मामला क्या है? इस वीडियो की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस तरह की एक वीडियो नहीं, हजारों वीडियो आपको टिकटॉक पे खास करके वायरल होता हुआ देखने को मिला होगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो एम्बुलेंस गुजर रहा है बीचों बीच, उस एम्बुलेंस के अंदर एक 40 दिन की बच्ची है जिनका हार्ट का सर्जरी होना है। तो मैं आपको बता दूं कि उस 40 दिन की बच्ची का इलाज जो है वो मैंगलुरु के मुल्लूर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हो रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ इमरजेंसी केस हुआ जिसकी वजह से डॉक्टरों को ऐसा लगा कि इन्हें मैंगलुरु से बेंगलुरु के जयदेवा हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पर उनका इलाज जो है हार्ट का सक्सेसफुली हो सके। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुविधा ये थी कि मैंगलुरु से बेंगलुरु का जो डिस्टेंस है वो 356 किलोमीटर का है, जिसे एक एम्बुलेंस को तय करने में कम से कम 7 से 8 घंटे लग सकते थे। तो यहाँ पे बात ये था कि मैंगलुरु से बेंगलुरु का जो डिस्टेंस था उसे बहुत कम समय में जो है तय करना था, तो इसके लिए एक एम्बुलेंस को जो है रेडी किया गया। और एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है हनीफ ब्रांजा, उन्होंने कहा कि मैं इसे कम टाइम में तय तो कर लूँगा लेकिन इसके लिए मुझे 0 ट्रैफिक चाहिए। तो 0 ट्रैफिक क्रिएट करने के लिए कर्नाटका पुलिस ने और साथ ही साथ वहाँ की पब्लिक ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिसकी हेल्प की वजह से मैंगलुरु से बेंगलुरु तक 0 ट्रैफिक क्रिएट कर दिया गया। यानी कि रास्ते में कोई भी दुविधा, कोई भी रुकावट नहीं था, 1 मिनट भी एम्बुलेंस को रुकना नहीं पड़ा। इस तरह से 0 ट्रैफिक क्रिएट होने के बाद हनीफ ब्रांजा ने 8 घंटे के रास्ता को, यानी कि 356 किलोमीटर के रास्ते को महज 4 घंटे 20 मिनट में ही पूरा कर लिया और काफ़ी सावधानी से उसे मैंगलुरु से बेंगलुरु तक आसानी से पहुंचा दिया। और लोग इसके लिए इनकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, इन्होंने एक मिसाल कायम की है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। पब्लिक जो है हनीफ ब्रांजा के लिए सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जाए क्योंकि उन्होंने इंसानियत की एक मिसाल दी है। तो गाइज, यही थी इस वीडियो की पूरी सच्चाई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके बारे में जान सके। और हनीफ ब्रांजा के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे हमें ज़रूर कमेंट करें और उस बच्चे के हक में भी दुआ करें जिसका हार्ट सर्जरी हुआ है, ताकि वो भी जल्द से जल्द जो है ठीक हो सके। सो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद एक बात पता चला कि कर्नाटका के पब्लिक ने, वहाँ की ट्रैफिक पुलिस ने और साथ ही साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर हनीफ ब्रांजा ने उस बच्चे की जान बचाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। हम सभी को इनसे कुछ सीखना चाहिए कि जब भी आप रास्ते से गुजर रहे हो, कोई एम्बुलेंस अगर आ रहा है तो उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रास्ता क्लियर कर दे, ताकि वो किसी मरीज को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दे ताकि उसका जान बच सके। सो गाइज, यही था वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।